जय श्री महाकाल जी। मैं आपका अपना भाई सूर्य आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर और सूर्य 2.0 पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं नववर्ष की, और साथ ही साथ ईद भी आ रहा है तो ईद की भी बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को। देखो यार, धर्म और इंसान दोनों में बहुत ज्यादा इक्वलिटी है, क्योंकि ना इंसानों ने बनाया है इन सारी चीजों को, जो बाहर सारी चीजें मानते हैं या करते हैं ना, इसको सब इंसानों ने बनाया, नहीं तो है सारी चीजें एक ही, सच बताए तो एक ही है, मानने वाला चाहिए। देखो हम किसी भी धर्म में ऐसे नहीं करते कि ऐसा है वैसा है। देखो सबके अपने रिचुअल्स होते हैं, सब अपने हिसाब से मानते हैं, उन सभी की हम रिस्पेक्ट करते हैं। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार, और जो मेरे हम उम्र साथी हैं उनको दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं, और अपने फ्यूचर के लिए या उनके भविष्य के लिए जो उनके घर वालों ने सोचा है उसको वो पूरा करें। हम वाकई में प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए जो हमारे हम उम्र हैं, क्योंकि ये जो उम्र होती है ना, इस उम्र के पड़ाव में इंसान कई सारी बार ऐसा होता है भटक जाता है। जो सुनील गलत तो नहीं कह रहा हूं भाई? नहीं, सही बात है सूर्य। इस वक्त में इंसान जो है वो भटक जाता है, और अपने जो डायरेक्शन होती है उसकी सक्सेस की तरफ बढ़ने वाली, उसमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और उसी वक्त में घर वाले समझाते भी हैं, बट ये जो उम्र होती है इस उम्र के पड़ाव में वो समझते नहीं है इन सारी बातों को, ना घर वालों की बातों को। जैसे घर वाले कहते हैं ना उनको कुछ कि नहीं ये गलत है, यहाँ ये मत करो, वहां वो मत करो, या फिर ये जो तुम्हारी दोस्ती है ये ठीक नहीं है, वो कहीं हद तक सही कहते हैं, क्योंकि उन्होंने उम्र देखी है। जिस उम्र में आज आप हो ना, या जिस उम्र में हम है, वो उम्र उन्होंने देखी है, इस उम्र की दौर से वो गुजरे हुए हैं। तो जो आपके साथ हो रहा है वो भाई ना बहुत पहले उनके साथ हो चुका है। खुशकिस्मत होंगे वो लोग जिनके साथ में धोखे नहीं होते हैं, जिनके साथ में विश्वासघात नहीं होता है, या जिनके साथ में साथ रहने वालों से ज्यादा गद्दार कोई होता नहीं, खुशकिस्मत होते हैं, वाकई में कहता हूँ। और ऐसे इंसान जिनकी लाइफ में होते हैं जो भरोसेमंद होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो भरोसा सच बताए तो अपने इष्ट महादेव जी पे कीजिए, या जिनको आप मानते हो उन पे कीजिए। इंसान सच बताए तो कहीं ना कहीं गलती कर देता है, और उस गलती की सजा उसे भुगतनी ही पड़ती है, इसी जन्म में भुगतनी है। सतयुग नहीं है, कलयुग चल रहा है, और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ के कर्म जितने आप करने वाले हो उन कर्मों की सजा आपको यहीं मिलने वाली है। आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे, और बुरा करना चाहोगे किसी का तो उस वक्त में आप भले किसी के साथ बुरा कर लो, बट कुछ वक्त बाद में आपके साथ वो सारी चीजें होगी, उसके लिए फिर आप भगवान को कोसोगे कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, इतने सारे दुख क्यों, मेरी जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां क्यों, ये होगा और ये वास्तविकता है, इसको कोई नहीं झुठला सकता, ना आप ना ही कोई और। कि जितना सब कुछ आपने किया है वो सही है या गलत, उसके बारे में सोचने के आप काबिल हो और सोच सकते हो इतना। भगवान ने इंसान बनाया, इंसान होना अच्छी बात है, और इंसान के पास दिमाग होना ये और भी ज्यादा अच्छी बात है, और उसका सदुपयोग करना ये और ज्यादा अच्छी बात है। एक जिंदगी है, इंसानियत है, और उसी पे कायम रहो तो कोई नहीं बोलने वाला आपको, कोई सुनाने वाला नहीं है, कुछ गलत कहने वाला नहीं है। मेरी बातें मुझे पता है कि कई लोगों को गलत लगती होगी, पर जो सच है वो कहता हूँ, क्योंकि दम रखता हूँ इतना, क्योंकि मेरा विश्वास और मेरा जो प्रेम है वो सीधा सीधा जुड़ता हुआ सा है महाकाल के साथ, जो मुझे कभी किसी के साथ ना गलत करने देते हैं, ना गलत होने देते हैं मेरे साथ। बहुत अच्छा ये लगता है कि मेरे साथ गलत नहीं होने देते। वहम है कई सारे लोगों में, तो एक ना एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, समझदार होंगे वो समझ जाएंगे। अगर अंधे को आंखें मिल जाए ना, तो वो सबसे पहले पता है किस चीज को फेंकता है, जिससे वो उम्र भर चला है, जिस लाठी से, जिस लकड़ी के सहारे वो चला है, उसी चीज को वो फेंक देता है। और ये बात किसी अंधे के लिए नहीं थी, ये समझदार होंगे वो लोग जो समझ जाएंगे, किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ समझाना चाहता हूँ, मेरी बातें तरीके अलग होते हैं बस। प्लीज किसी भी मेरी कही भी बात को दिल से ना ले, बस समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये समझेंगे तो आगे आप बढ़ेंगे, आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, आपकी लाइफ में जितनी परेशानी आने वाली है उसको आप समझ पाओगे। ये मैं कहना चाहता हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से और जो मैंने भुगता है, जो मैंने सहा है उन सारी चीजों से। यहाँ पे हम क्यों आए हैं आज वापस,
उसके बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम हमारे साथ बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ था। लास्ट टाइम सुनील भाई ही थे यहाँ पे, और यहाँ पे जो घटना घटी है वो थी, एक मित्रता होती है ना, विश्वास होता है, दोस्त होते हैं, जिगरी जार बोलते हैं, जिगर के छल्ले बोलते हैं जिनको, कि ये नहीं ये है मेरे साथ तो कुछ मेरे साथ गलत नहीं हो सकता। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि जिनको आप इतना ज्यादा खतरनाक सा बोलते हो ना, वही आपके साथ कुछ गलत कर देते, उसके बाद आप सहन नहीं कर सकते। यही इंसिडेंट घटा था एक, जो कि था बेस्ट फ्रेंड और उसका अफेयर था उसकी वाइफ के साथ, शादी से पहले भी था, बट उस इंसान ने कहा नहीं क्योंकि वो उन सारी चीजों के मजे लेना चाहता था, या एक वर्ड में कहूं तो उस विश्वास के साथ खेलना चाहता था। ऐसे इंसानों की मानसिकता ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहती है, उनके साथ भले बाद में गलत होता है लेकिन उससे पहले जिनके साथ वो विश्वासघात कर रहे उनके साथ गलत हो जाता है। जिंदगी बार बार मौके नहीं देती है संवरने के, सुधरने के, एक बार देती है उसमें सुधर जाओ वक्त तो रहता है, क्योंकि जिन जो आपको जान से ज्यादा मानते हैं ना, उनके साथ कभी आप धोखा करोगे ना, सच बताऊं वो इंसान कहने लायक भी नहीं रहता कि मैं कुछ कहूं इससे, वो हमेशा आपसे हंसते हुए मिलेगा। सूर्य गेट की आवाज आ रही है, हवा इतनी तेज है यार, सूर्य देख, अरे पहले नहीं थी यार इतनी तेज, यहाँ आए ना जब से हवा इतनी तेज हो गई है, वो तेज हो रही है यार, अंदर से गेटों की आवाज आ रही है बार बार। जितने लोग मेरी बातों से एग्री हैं वो प्लीज कमेंट में कर देना, बता देना मैं सही हूँ या गलत, वो आप लोग डिसाइड करना, बट मेरे को जो चाहिए वो चाहिए आप लोगों का साथ, सपोर्ट और आगे तक बढ़ने के लिए एक अच्छा रास्ता जो आप दोगे मुझे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा साथ दोगे और बहुत अच्छे से निभाएंगे हम उस चीज को। मैं सच कहता हूँ कि आपके विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा, ये मैं दिल से कहता हूँ कि आपके विश्वास को नहीं टूटने दूंगा, खुद टूट जाऊंगा पर आपके विश्वास को नहीं टूटने दूंगा। हम इतनी ज्यादा खतरनाक लोकेशन जब भी विजिट करने जाते हैं सारा उनका होता है, साथ आप लोगों का होता है, तो क्या एक ही बात कहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने कर रखा है उनको दिल से शुक्रिया। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा प्लीज, मेरी बातों को बोरियत से मत लीजिएगा, ना लेक्चर लीजिएगा, ना किसी कहानी का एक हिस्सा लीजिएगा, जो हम कहते हैं वो दिल से कहते हैं और हम किसी के बारे में बुरा नहीं कहते। सूर्य यार ये खाटे कहाँ से है, पहले तो नहीं थे यार ये। ओए सूर्य अंदर अंदर है, वो अंदर है, वो देख। सूर्या सामने थी यार, ये कांटे पहले तो नहीं थे यार सूर्या, कांटे नहीं थे पहले, किसने लगाए यार ये पता नहीं, ये कांटे किसने लगाए, बट यहाँ पे कांटे लगे हुए हैं इसकी मेन एंट्रेंस पे, ये यहाँ से हम अंदर चलते हैं, वो नजर आई है अभी, और इसके अलावा सामने हमें नजर आई है उतिर भाई। सूर्या सूर्या आवाज सुनी, बहुत ही भयंकर आवाज अंदर से, कुछ नहीं था, जो हवा चल रही है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की है, तूफान आ रहा है, और उसी को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे विश्वासघात किसी और के साथ में ना हो, जो कुछ यहाँ हुआ है वो वाकई में इंसानियत और इंसानों के दिलों में जो विश्वास बचता है उसको कहीं ना कहीं तोड़ देता है। कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ यहाँ पे आपको नुकसान या अगर आपको परेशानी हो, मेरी बातों से ऐसी कोई चीज नहीं कह रहा हूँ, बस जो सच है वास्तविकता है उसमें कहीं ना कहीं किसी ने कोई गेट हिला रही खिड़कियां, और ये हवा की वजह से नहीं हिल रही है, आप ये मत सोचिए कि हवा की वजह से हिल रही है, जो भी लास्ट टाइम जो इंसिडेंट या रिपोर्ट हुए वो सभी आप लोगों ने देखे हैं, अभी भी हो।
किसने गोली आ रही कौन है भाई? खिड़की बार 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 खुल रही है खिड़की और इसमें मूवमेंट हो रहा है। ये देखो बहुत जोर से हिल रही है, हवा से तो नहीं हिल रही, हवा से नहीं हिल रही है, ये लोहा बहुत भारी है। पीछे कोई है क्या? खोल के देखने आया है सारी चीजें नोटिस कर लो। कैमरा बना है इंस्टेंट, जल्दी करो। कौन था यार? ओए भाई यार, कोई है? कौन है यार? क्या हुआ? खुली हो रहा है सुनील, उसका तो अफसोस हमें इस चीज का होता है कि ये जो दरवाजा है या ये जो खिड़की है, लेकिन इसके अंदर आने का रास्ता हम लोग की थी। यहाँ चलो ये हिल रही है, अभी भी हिल रही है, घंटी ना हिल रही है। और हम यहाँ पे हर बार कहते हैं कि हम किसी गलत इरादे से नहीं है, लेकिन इसके अंदर आने का रास्ता हम लोग की थी। वही यार, ये जो जितने खिड़के हैं यहाँ बंद भी है, वो सब कुछ गलत है। और ये खिड़की सामने मुझे नहीं दी है, अभी खुली आ रही है, पहले तो नहीं खुली भी थी यार। ओ सूर्य, बाहर 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 गेट में देख, खिड़की में देख, खिड़की में देख यार सूर्य, मुझे दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, कोई औरत खड़ी है, कोई लड़की है। और इतनी मौत होने के बाद देखिए बाहर चल के देखिए, टेलीफोन से आपसे यहां बात करने के इरादे से आए। आपने जो किया है यहां पे, जो हुआ वो कहीं ना कहीं उस इंसान की मानसिकता को हिला देने वाली बात थी, या तो उसकी जिंदगी में या उसके दिमाग में चल रही कष्टों की वजह से आपकी मौत हुई है। कोई गलत वजह, या वो बेचारा वो भी नहीं चाहता था आपके साथ कुछ गलत करना, लेकिन उसके साथ गलत हुआ, उसी का परिणाम शायद आपने तो जो कुछ रिकॉर्ड हुआ है। कि जब ये मेरे सामने हुई, यहां से जा नहीं सकते, इधर से अगर जाता होगा मेरे आपको बाहर आता होगा जल्दी। चारों तरफ कैमरा कर प्लीज, कैमरा कर चारों तरफ। मैं सुन गया सुनील, सुनील इधर आओ, इधर आओ, देखो भाई अंदर है, अंदर 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 कैसे चल गया यार, देखना। और इसी रास्ते से हम आ रहे हैं, ये तो कह रहा हूँ यार सूर्य भाई, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जो कुछ रिकॉर्ड हो रहा है वो सब कुछ आप लोगों के सामने, आंखों के सामने लाइव है, और इतना ज्यादा अनकट है। यार सूर्य समझ में नहीं आ रहा मेरे को बिल्कुल भी, अंदर अपन थे तो कोई था, तो अंदर चल, अभी पहले अंदर चल। ऐसा तो भाई अपन बाहर जा रहे हैं तो अंदर आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं बिल्कुल ही यार, कुछ नहीं हो रहा है। बाहर से आवाज आ रही है सूर्य, हुई
सूर्य बाहर बाहर चलो आप बाहर चलो यहीं से कहीं से इतनी आवाज पीछे खिड़की तो ऐसा क्या हो रहा है यार सूर्य खिड़की की थी या ऊपर से चल लगे थे उनकी क्या पता है सूर्य अंदर से सुरेश वो जो खिड़की अंदर थी ना अंदर उसी की आवाज है ये जो इतनी आ रही है ना ये उसी की आवाज है यार सूर्या और मैं सच बताऊं हवाएं इतने ज्यादा तेज है बट बहुत सारी चीजों को यही ला सकती है जो आवाज है यहाँ हो रही है बहुत ज्यादा लग रही है उस खिड़की की आवाज लग रही है क्लियर है तो कोई भी नहीं है आवाज आ रही है अंदर से और ये क्लियर नहीं मारने गलती इस तरफ बोले इस तरफ देखो हमने जो कुछ यहाँ सहा है या जो कुछ हमारे साथ यहाँ हो रहा है वो ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो ही नहीं भाई वापस वो उसी जगह खिड़की में देख भाई वो खड़ी है यार बाहर खड़ी है बिल्कुल बाहर खड़ी है और जो कुछ हो रहा है मैं इसको झुटला रह सकते देखिए सामने यार बिल्कुल सामने ही नहीं है सामने कोई है यार भाई वो तो है जो कुछ भी यहाँ है फिर बात सुन यहाँ रुकना मेरे भी कोई नहीं है यार भी है यहाँ से चल यहाँ रुक पाना इतना आसान नहीं है कह रहा हूँ यार भाई ये खिड़की की आवाज ना हो रही है जो हवा से नहीं हो सकता है तो कह रहा हूँ यार सूर्य बिल्कुल आवाज से नहीं हो सकता है जो कुछ भी यहाँ हो रहा है आवाज से वो इस खिड़की में नजर आ रही बाहर यार सूर्य भाई बिल्कुल अंधेरा सा हो चुका है ये तो कह रहा हूँ यार बाहर देख हवा चल रही है यार ये कसम यार यहाँ इस जगह तो नजर आ रही हूँ बाहर खिड़की के पास यहाँ कह रहा हूँ यार यहाँ पे नजर आ रही है जैसी वो नजर आ रही है वाकई में वास्तविकता में इतने ज्यादा गलत है कि इंसान सहन नहीं कर सकता एकदम से भाई भाई सूर्य पीछे वो देख हम यहाँ आज भी आपकी रो यहाँ क्यों भटक रही है
तो अंदर कैसे गई यार सूर्या? एक बार नहीं, कितनी बार ये हो चुका है कि ये आंख से सामने से गायब होके कहीं और चले जाए। हम यहाँ से जा रहे हैं, आप यहाँ रस्ते हैं, हमें नहीं पता रीजन क्या है कि आपकी रूह यहाँ भटक रही है। आज हम सिर्फ इतना से कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ यहाँ पे आपके साथ में वो उस कशमकश के चलते हुआ है। उस इंसान के साथ विश्वासघात हुआ था जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया, नहीं तो आपके साथ में उसका जो प्रेम था वो वाकई में बहुत ज्यादा गहरा था। ये हमने सुना है लोगों के मुंह से। क्या हुआ? अरे यार भाई सामने खिड़की में, सच में यार सूर्या खिड़की के अंदर देख भाई, मुझे दिखी है वो। देखिए हम यहाँ से जा रहे हैं, हमारा पीछा करने की कोशिश मत कीजिएगा, लेकिन यहाँ जो विश्वासघात हुआ है उसी की वजह से हम यहाँ दोबारा हैं। हम किसी भी तरह से आपकी मदद कर पाए तो हम कोशिश करेंगे, और हम ये बात कहना चाहते हैं बाकी बहनों से भी कि किसी के साथ ऐसा विश्वासघात ना ही करें तो अच्छा हो। जैसे भाई